हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग इंडियन रेलवे की टीसी और टीटीई के पदों पर भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके जो इंडियन रेलवे के टीसी और टीटीई के जो आवेदन होंगे ये कब से स्टार्ट होंगे, और दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। दोस्तों, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, क्यों जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ से या फिर इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि इंडियन रेलवे की तरफ से जो टीसी और टीटीई के पद हैं इन पर ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये जो भर्ती निकाली जाएगी ये इंडियन रेलवे की तरफ से भर्ती निकाली जाएगी और ये ग्रुप सी की पोस्ट होगी। तो दोस्तों, यहां पर टिकट कलेक्टर, टीसी और टीटीई। टीसी का मतलब दोस्तों टिकट कलेक्टर, और टीटीई का मतलब होता है ट्रेवल टिकट एग्जामिनर। और दोस्तों, यहाँ पर गुड्स गार्ड की है और स्टेशन मास्टर की भी भर्ती निकलेगी। दोस्तों, यहाँ पर तीन टाइप की पोस्ट हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है, जो कुल पद हैं दोस्तों, ये यहाँ पर 14,500+ दोस्तों, करीबन यहाँ पर आपको 15,000 नौकरी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, रेलवे की काफ़ी समय से भर्ती नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर टीसी टीटीई की करीबन 15,000+ नौकरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसका आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, और दोस्तों इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी जो सैलरी होगी। दोस्तों, यहाँ पर टीसी के लिए जो सैलरी है ये 21,700 से 81,000 तक सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, जैसी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ये 21,700 से आपकी बढ़कर 81,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका सीबीटी एक एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर आप लोग टीसी और टीटी के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों, यहाँ पर आपका केवल और केवल सीबीटी का एग्जाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लिए आपकी एज लिमिट की। तो दोस्तों, यहाँ पर 18 साल से जिनकी एज 30 साल तक है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एज 18+ है तो आप लोग यहां पर जरूर अप्लाई करिएगा। और यहां पर आप लोग देख सकते हो एज रिलैक्सेशन की भी बात बोली गई है। दोस्तों, अगर आप लोग जनरल ओबीसी में आते हो तो आपको यहां पर 3 साल की छूट मिलेगी, और अगर एससी एसटी में आते हो तो यहां पर आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं टीसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 12th पास होनी चाहिए, और दोस्तों अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट पास हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आपके जो आवेदन होंगे ये कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आपके जो आवेदन होंगे ये मई के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, और जून के महीने के बीच में यहाँ पर आपको आवेदन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, संभावना ये दिखाई जा रही है कि मई के पहले सप्ताह में ही इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके जो आवेदन होंगे ये मई से जून के बीच में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, आप लोग आवेदन कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, इसलिए तैयारी अच्छे से करती रहिए। और दोस्तों, अगर आप इसी के साथ जानना चाहते हो कि इंडियन रेलवे में टीसी और टीटीई के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, और उन सब्जेक्टों में से कौन कौन से चैप्टर पर आपको विशेष तरह से फोकस करना होगा, तो दोस्तों कमेंट करना, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग पढ़ाई करने में आपको आसानी रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके।